हेलो बच्चों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल आरिफन क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का भारती भवन मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल 1 में क्या क्या दिया हुआ है, और ये जो भी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं ना, ये NCERT से ही रिलेटेड है। NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग मर्ज किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य गुणनखंड करना है मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसको छोटे छोटे संख्या से तोड़ना है, और अभाज्य संख्या से ही हम लोगों को क्या करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से तोड़ना है तो देखिए, तो 7 से नहीं कट रहा है तो ये सीधे कटेगा, जानते हैं 17 से। 17 से कटेगा तो 17 से 51 36 का 68 हुआ, 17 से 68। तो अगर आपको भाग देने इस तरह नहीं आ रहा है तो इस तरह लिख लीजिए ना, तो यहाँ पे देखिएगा सीधे करिए 17 चौका 68, ठीक है। 14 में 60 गया तो 6, यहाँ पे आ जाएगा तो है ना, तो कितना 17 से 51 11 1 1 1 17 7 119, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा 437 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये कितना से कटेगा, 437 कितना से कटेगा है ना, 437 कटेगा आपको 19 से कट जाना चाहिए, 17 से तो कटेगा नहीं, 19 से कटेगा, 19 से 57 हाँ 19 से कट जाना चाहिए, 19 से 38 13 में 8 गया तो 8 5 13 7 ये कितना, ये तो 19 से 57 होता है, ठीक है, 19 से 57 होता है। तो ये हो जाएगा कितना बार में, 23 बार में, कितना से कटेगा, 19 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा ये 23 से 23 बार में कट जाएगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 74 29 बराबर 17 × 19 × 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 5 है ना, इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे कितना से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से टूटेगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब कितना से ये कटेगा ये पता नहीं है, तो 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से आई थिंक ये 7 से कट जाना चाहिए। यहाँ से देखिएगा 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 3 आया 7 चौका 28 2 आया 7 3 का 21, ठीक, यानी ये 7 से कट गया 143 बार में। अब 143 को कितना से काटिएगा, 143 को अब देखिएगा, काट के देखिए, 7 से तो नहीं कटेगा अभी, 8 से 9 से 10 से 11 से आई थिंक कट जाना चाहिए, 11 एकम 11 कितना आएगा, 3 11 3 33, ठीक, कट गया। तो ये कितना से कटा, 11 13 बार में कट गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे अब 505 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है 3825, ये कितना से कटेगा, 3825 ना, लास्ट में देखिएगा क्या दिया है, 5 तो 5 से कटेगा था, 5 7 35 3 गया 5 6 30 और 50 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 इसमें 2 गया तो 50 25, फिर 1 गया तो 5 3 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, 3 से 3 से कटेगा तो 17 3 51, ठीक। उसको क्या करेंगे, 3825 को लिख लेंगे तो 5 × 5 × 3 × 3 × 17, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 17 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन इसको भी हम लिख लेते हैं कि कैसे कटेगा ये। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कह रहा है कि 11 32 56, सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 5 10 2 6 12 2 6 12 2 4 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4 2 8 16 2 3 6 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 4 8 2 1 2 5 10 2 7 14। अब देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, देखिए तो 7 5 12 1 13 13 5 18, यानी कि अब 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12, 2 गया तो 3 7 21 3 एकम 3 3 9 27, ठीक। अब देखिएगा ये कितना से कटेगा,
आठ चार बारह, बारह आठ बीस, इक्कीस, फिर तीन से कट जाएगा। तीन से काटेंगे तो तीन कम तीन एक गया इसमें, तीन पाँच पंद्रह, तीन सात इक्कीस, तीन तिरका नौ, सात तीन दस, छः सोलह। अब नहीं काटेगा, अब तीन से भी नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, ग्यारह से कटेगा। तो ग्यारह से काटेंगे इसको, है ना, तो ग्यारह से देखिएगा यहाँ पे काटेंगे तो पंद्रह सौ तिहत्तर को काटेंगे ग्यारह से, क्योंकि देखिए तो सात एक आठ, सात एक ठीक है, हाँ ग्यारह से कटेगा। तो ग्यारह एक हम ग्यारह, चार आया ग्यारह चौका चौवालीस, है ना, तो ग्यारह तय तैंतीस, ठीक है। एक सौ तैंतालीस बार में कट गया, एक सौ तैंतालीस को यहाँ पर देखिए कितने से काटेंगे, ग्यारह से फिर कट जाएगा। तो एक सौ तैंतालीस जो है ना ग्यारह से कट जाएगा, तो ग्यारह कम ग्यारह और फिर तीन, तो ग्यारह तैंतीस, तेरह बार में कट जाएगा, फिर तेरह से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनली अब लिख देंगे, फाइनल क्या लिखेंगे, ग्यारह बत्तीस सौ छप्पन बराबर दो गुने, है ना, दो गुने दो गुने दो, तीन गुने तीन गुने ग्यारह गुने ग्यारह गुने तेरह। देखिएगा ये तीन बार है, दो का पावर तीन, दो बार है तीन का पावर दो, दो बार है ग्यारह का पावर दो और तीन, ये हमारा आंसर हो जाएगा।